आईटी सपोर्ट हिंदी और मैं आपका भाई जतिंदर। दोस्तों आज बात करने वाले हम अनऑथेंटिक एंगेजमेंट फॉर आ फेसबुक की क्या होती है और ये हमें क्यों आती है स्टैक और इसका बेसिकली रीजन क्या है और इसे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि हमेशा आप सबसे बात करता हूँ कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, हम अपनी फैमिली को बड़ा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को बजाएं, क्योंकि घंटा नहीं बजाओगे तो आपको मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो घंटा बजाना बहुत ज़रूरी है। और जो भाई मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, मतलब कि पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के साथ भी बांटें। फ्रेंड अब बात करते हैं इस स्टैक के बारे में, ये क्यों आती है, इसका बेसिकली रीज़न क्या है और ये इसका मेन पॉइंट ऑफ क्या है। तो फ्रेंड पहले तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम फेसबुक की पॉलिसी के ऊपर भी जाएंगे वो क्या बोलते हैं। तो पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। फ्रेंड अब इसका मेन मोटिव ये है फेसबुक का हमें बताना कि जो आप एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हो अपनी पोस्ट के ऊपर, पोस्ट मतलब कि आपने कोई वीडियो डाली उसके ऊपर काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो वीडियो लोग देख रहे हैं, अगर नहीं भी देख रहे हैं वो वीडियो तो आपको ये स्टैक पड़ती है। अब रीज़न मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो ये है फ्रेंड कि अगर वो वीडियो, जैसे कि आपने कोई वीडियो लगाई है, एक्सपोज करते कोई वीडियो चल रही है पर वीडियो कुछ और है और उसका टाइटल कुछ और है, वीडियो कुछ और है और उसकी थंब इमेज कुछ और है, तो उसके कारण ये आपको स्टैक पड़ सकती है क्योंकि आप मिसगाइड कर रहे हो पर्सन को, वो क्लिक करता है वो वीडियो पे जाता है बट आप कंटेंट कुछ और दिखा रहे हो और थंब इमेज आप कुछ और लगा रहे हो, या आप लिख रहे कुछ और ऊपर और वीडियो में कुछ और बताया गया, या फिर जो आपकी वीडियो है वो फेसबुक के ऊपर वायलेशन कर रही है फेसबुक की पॉलिसी का। रिकॉर्डिंग टू आप सेक्स के रिकॉर्डिंग कोई वीडियो नहीं दिखा सकते, कोई अडल्ट के ऊपर कोई वीडियो नहीं दिखा सकते, कोई ऐसी चीज़ के बारे में भी प्रचार नहीं कर सकते फेसबुक वीडियो के ऊपर, तो उसके रिकॉर्डिंग भी आपको स्टैक पड़ सकती है ये वाली। अब भाई लोगों इसकी पॉलिसी के ऊपर चलते हैं, तो इसकी पॉलिसी क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ये आपको स्टैक क्यों पड़ती है। तो हम ये यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और आप इसमें पढ़ सकते हैं, क्रिएटिंग अ पब्लिशर कैन बी अ मोनेटाइज कंटेंट, देयर आर नेचुरल ऑडियंस। पहली बात तो आपकी जो ऑडियंस हो नेचुरल ऑडियंस हो, कई लोग उसे देख रहे हो या आप हर जगह उसे घेर रहे हो, या फिर कोई बंदा वो वीडियो दो मिनट देख के काट रहा है या एक मिनट देख के काट रहा है या एक सेकेंड देख के काट रहा है, तो ये भी आपका स्टैक का कारण है। और आपकी जो एंगेजमेंट है वो प्रॉपरली नहीं आ रही है, मतलब कि क्रिएट अ पब्लिशर बी एंड नॉट बी एंगेजमेंट इन एनी बिहेवियर डैट आप बूस्ट वो वीडियो ऑन अवर एंगेजमेंट। ठीक है फ्रेंड, जो आपका कंटेंट है वो भी प्रॉपरली उस टॉपिक के ऊपर नहीं है जिस टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो बनाई हुई है। फ्रेंड इसके कारण आप अपने चैनल को भी लूज कर सकते हैं, मतलब कि जो आपका चैनल है वो आप चैनल मीन्स आपका जो पेज है फेसबुक का पेज है उसे आप के ऊपर स्टैक के कारण वो फेसबुक डिलीट भी कर सकता है या फिर आपका मोनेटाइजेशन को बंद भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है और आप इसे सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फ्रेंड इसका बेसिकली सॉल्यूशन तो यही है कि आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं फेसबुक को, एक सिंपल वे है आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप पार्टनर्स के ऊपर जाएं, अपने पेज का लिंक डालें और यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालें इसका, इसमें आप पेज क्वालिटी का नहीं इसका स्क्रीनशॉट डालेंगे और स्क्रीनशॉट डालने के बाद इसे सबमिट कर दें, सेंड कर दें, मीन दैट आपका 24 से 48 घंटे के अंदर फेसबुक की तरफ से एक आंसर आएगा, उस आंसर से ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुकी है। बेसिकली हमने कंटेंट के ऊपर काम करना है, वीडियो के ऊपर काम करना है, वो इसका परमानेंट सोल्यूशन है।
साथ ही साथ आपका क्वालिटी, पेज क्वालिटी स्कोर भी, पेज क्वालिटी भी इसके ऊपर बड़ा ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो के ऊपर स्टैक बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, ये आपका वहाँ पे भी शो हो सकता है। आप पेज के ऊपर जाएं, मोर के ऊपर क्लिक करें, पेज क्वालिटी के ऊपर जाएं, जिस वीडियो के ऊपर आपको स्टैक पड़ी है वो यहाँ पे शो करेगी। फ्रेंड बेसिक तरीका है इस टैग से बचने का कि आप क्वालिटी का कंटेंट डाल लें, क्वालिटी के बंदे आपकी वीडियो देखेंगे और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं फेसबुक के ऊपर से। काफ़ी दोस्त काफ़ी तरह के सवाल पूछते हैं मुझे फेसबुक के ऊपर, आप भी मेरे से बात कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। एक सिंपल सा वे है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ पेज के ऊपर जाना है मेरे आईटी सपोर्ट के, पेज को लाइक करना है। लाइक करने के बाद यहाँ पे दो बटन आ जाएगा, एक मैसेज का होता है जो नॉर्मली सबको पता है कि आप मैसेज पे बात कर सकते हैं। मैसेज आप 24 आवर कभी भी कर सकते हैं मुझे, हाँ कॉल करने का एक टाइम है 9 से रात के 9 बजे तक, एक 12 घंटे का पीरियड है, 12 घंटे पे कभी भी कॉल कीजिए, मैं आपकी हर कॉल को पिक करूँगा, आपका आंसर दूंगा, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा आपको, जैसे कि मैंने इसके बारे में बात की, या उसके ऊपर वीडियो बना के उसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगा और दूसरे के साथ भी ये वीडियो को शेयर करूँगा कि हर कोई इससे फ़ायदा ले सके। फ्रेंड अगर आप वीडियो फेस यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक दीजिए, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इससे अच्छी वीडियो और इससे अच्छे कंटेंट वाली वीडियो और अलग अलग टॉपिक के आपके सामने लाऊंगा। अगर आप ये लोग वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेस वीडियो को लाइक कीजिए बड़ा सा, और वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप पे, पेज पे, कहीं भी शेयर कीजिए, बट शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।